भवानी साहब, मैंने उस लड़के को पकड़ के रखा है जिसने आपके भाई पर हाथ उठाया था। उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसकी लाश मुझे दिखा देता ना, तो उसके वजन जितना सोना तेरी घरवाली के बदन पे सजा देता मैं। कहाँ है वो? लॉकअप में। लॉकअप कॉल। बहुत गर्मी है तेरे खून में। आ, मेरी गर्मी का नमूना तेरा भाई देख चुका है। हाथ बंधे हैं वरना तेरी सेवा भी जरूर करता। हरामजादे, वो छिनाल तेरी कौन लगती है? कौन लगती है तेरी वो नखेलिया बहन, जिसके लिए तूने मेरे भाई को मारा। मेरे भाई हाथ मारा तूने। भवानी, 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 भवानी। ये पुलिस स्टेशन है भवानी सिंह, तेरी रखेल का घर नहीं, जहां तू मनमानी कर सके। तू नहीं जानता एसीपी, इसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, भवानी के भाई पर। निहायत बेवकूफ हो तुम, जिसे लातों से मारना चाहिए था उसे हाथों से क्यों मारा? ऐसे भी चिल्लाओ मत। शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरे हाथ तोड़ सकता हूं। यह ख्वाब तू बहुत दिनों से देख रहा है शिवचरण, लेकिन अभी तक तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। खाकी और खादी में बहुत फर्क होता है। तुम सिर्फ जुबान चलाना जानते हो और हम हथियार। बहुत जल्द तुम मेरे निशाने पे आने वाले हो। गोलियां बर्बाद करेगा तू। बुलेट प्रूफ जैकेट सरकार सिर्फ मंत्रियों को देती है, पुलिस अफसरों को नहीं। नहीं जीत सकता तू मुझसे, नहीं जीत सकता, क्योंकि कानून की जंग जज्बात के बारूद से नहीं, सबूतों के हथियार से लड़ी जाती है शिवचरण। तुम्हारी हर छोटी से छोटी हरकत और बड़े से बड़े गुनाह की फाइल तैयार कर ली है मैंने, और बहुत जल्द वो फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने पेश करने वाला हूं। उसके बाद तुम्हारे जिस्म से बुलेट प्रूफ जैकेट तो क्या, तुम्हारी खाल तक उतार ली जाएगी। जिस दरख्त की जड़ में सांप का बिल हो, परिंदे उसकी शाखों पर घोंसला नहीं बनाते एसीपी। खोल दो इसे।